तो दोस्तों ये है जापान का स्लिम प्रोब, जिसका ड्राई वेट 200 किलोग्राम का है, जो फ्यूल को ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट 700 किलोग्राम तक हो जाता है। अभी रिसेंटली 7 सितंबर 2023 जापान के टनेकशिमा स्पेस सेंटर से H2A रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन मून के इक्विटोरियल रीजन में मौजूद शियोली क्रेटर है, जिसके केवल 100 मीटर रेडियस में ये मिशन उतरने वाला है। अब अगर जापान इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके चांसेस इस बार काफी हाई है, तो रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बाद जापान इस दुनिया का पांचवा देश होगा जो चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें जापान नंबर वन बन सकता है, और वो है चांद पर एक प्रिसाइसली पिन पॉइंट लोकेशन में मून क्रेटर के अंदर लैंडिंग करना, जो कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। और दोस्तों आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं कर सका है। तो आज के इस वीडियो में हम जापान के मून स्नाइपर मिशन यानी स्लिम के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों जापान भारत की तरह मून के साउथ पोल पर नहीं जा रहा, बल्कि ये मून के इक्विटोरियल रीजन में जा रहा है। लेकिन जिस तरह इस मिशन के लिए जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने केवल 100 मीटर का पिन पॉइंट एक्यूरेट टारगेट रखा है ना, वो इस मिशन को भारत के चंद्रयान की तरह काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है। क्योंकि आज तक दुनिया की कोई भी कंट्री ने मून पर किसी क्रेटर के अंदर, वो भी 100 मीटर की पिन पॉइंट एक्यूरेट रेडियस में, अपने स्पेसक्राफ्ट को नहीं उतारा है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम चंद्रयान 2 की ही बात करें, तो उसके लिए इसरो ने टोटल 500x500 मीटर का लैंडिंग एरिया डिजाइन किया था, जो कि इसकी फेल्ड लैंडिंग का एक बड़ा रीजन बना। क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो लैंडिंग साइट से आगे निकल गया। वैसे चंद्रयान 2 मिशन फेलियर रीजन को एक्सप्लेन करते हुए हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। चंद्रयान 2 के फेलियर को एनालाइज करते हुए ही रिसेंटली भारत के चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर के उतरने के लिए इसरो द्वारा चांद के साउथ पोलर रीजन में 10.5 किलोमीटर स्क्वायर के टोटल एरिया लैंडिंग साइट के लिए मार्क किया गया था, जिसके कारण हमारे सक्सेसफुल लैंडिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए और फाइनली हमने इतिहास रच डाला। अब दोस्तों इसके अलावा अपोलो 13, जिसमें इंसानों को चांद पर उतारा गया, उसमें भी लैंडिंग एरिया कई किलोमीटर्स में फैली थी। इन शॉर्ट, अभी तक मून पर लैंड करने वाले चारों देशों ने हमेशा प्रोब और ऑल्सो ह्यूमन मिशंस के लिए अपनी लैंडिंग साइट को कई किलोमीटर्स में रखा है, क्योंकि इससे मिशन के सक्सेस चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि लैंडिंग साइट को जितना छोटा करते हैं ना, सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं और मून पर क्रैश लैंड करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जापान का ये मिशन इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि अगर जापान मून पर डिसाइडेड 100 मीटर के रेडियस में पिन पॉइंट लोकेशन के अंदर स्लिम स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंड करा देता है ना, तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस की तरह जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा के लिए भी ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगी। और इसीलिए इस मिशन को मून स्नाइपर मिशन नाम भी दिया गया है, जिससे फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट मिशन जैसे एस्ट्रॉइड माइनिंग करने में कई सारे बेनिफिट्स होंगे। इसीलिए पूरे जापान एंड वर्ल्ड में इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। 7 सितंबर 2023 को लॉन्च के दौरान 35,000 लोगों ने ग्लोबली इस मिशन को देखा, जहां स्लिम मून प्रोब के साथ साथ यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेटिव में बनी एक्स रिज्म स्पेस रिसर्च सैटेलाइट को भी स्पेस में लॉन्च किया गया। एक्स रिज्म स्पेस रिसर्च सैटेलाइट XRISM एक हाई रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, जो गैलेक्सी में फ्लो होने वाली हॉट गैस प्लाज्मा विंड पर डिटेल्ड रिसर्च करेगी, जिसकी मदद से हम यूनिवर्स में मास एंड एनर्जी फ्लो को, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के एवोल्यूशन को और उनकी कॉम्पोजिशंस को और भी डिटेल में जान पाएंगे। द ट्रेजेक्टरी एंड लैंडिंग ऑफ जापान स्लिम मिशन। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने चंद्रयान 3 के वीडियो में ही समझा था कि उसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाने के लिए एक अलग से प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। और देखो, मून पर भेजे जाने वाले ज्यादातर सभी लैंडर मिशन में इस तरह के प्रोपल्सन मॉड्यूल होते ही है, पर जापान का स्लिम प्रोब खुद अपने प्रोपल्सन सिस्टम की मदद से ही अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक जाएगा और फिर लैंडिंग परफॉर्म करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 2-in-1 कॉम्बो है, जिसमें स्लिम प्रोब ही लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों है। बट
जिसकी वजह से स्लिम प्रोब की ओवरऑल फ्यूल कैपेसिटी नीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी जापान की स्पेस एजेंसी ने निकाल लिया है, या फिर कहूं कि भारत से कॉपी कर लिया है। क्योंकि भारत के मिशन की तरह जापान का यह मिशन भी चांद की और अर्थ एंड मून की ग्रेविटी का प्रयोग करते हुए एक लंबे पर कम फ्यूल कंजम्पशन वाले रास्ते से जाएगा। और ये रास्ता चंद्रयान 3 द्वारा मून तक तय किए गए रास्ते से भी ज्यादा लंबा है, क्योंकि जहां चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचने में 42 दिनों का समय लगा था ना, वहीं जापान के इस मिशन को मून तक पहुंचने में 120 से 180 दिन लग सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 6 से 8 महीनों का समय, जिनमें 3 से 4 महीने तो ये केवल अर्थ के हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही बिताएगा, और उसके बाद मून तक पहुंचने के बाद उसके ऑर्बिट में भी ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने बिताने के बाद लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। एंड एज वी नो कि स्लिम के लिए जैक्सा ने मून पर मौजूद शियोली क्रेटर को चुना है, जिसकी स्लोप पर स्पेसक्राफ्ट 100 मीटर की रेडियस में उतर जाएगा। व्हाई डिड स्लिम लैंड इनसाइड द मून क्रेटर स्लोप? तो दोस्तों, जैक्सा स्लिम प्रोब को क्रेटर स्लोप पर इसीलिए उतारना चाहता है क्योंकि जब कोई एस्ट्रॉइड हाई स्पीड पर किसी सरफेस को हिट करता है ना, तो उस इंपैक्ट के कारण सरफेस से काफी ज्यादा मैटर बाहर की ओर निकलता है, जो एक्चुअली सरफेस का इनसाइड मैटर होता है। अब ये मैटर ज्यादातर इंपैक्ट से बने क्रेटर स्लोप के करीब इकट्ठा हो जाते हैं। इन शॉर्ट, क्रेटर स्लोप पर मौजूद सॉइल एंड रॉक्स की जांच करने से हम उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर मून है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इसीलिए जापानीज स्पेस एजेंसी यानी कि जैक्सा अपने स्पेसक्राफ्ट को इक्वेटर के पास मौजूद सियोली क्रेटर में उतारने वाली है, और यही इस पूरे मिशन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, लैंडिंग सीक्वेंस ऑफ स्लिम मिशन। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा स्लिम स्पेसक्राफ्ट अपने हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में जाता है, यानी 15 किलोमीटर बाय 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में आता है, तो यहां से इसका डिसेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि स्लिम स्पेसक्राफ्ट का डिसेंट भी चंद्रयान 3 की तरह ही 3 फेजेस में टूटा हुआ है। ये रफ ब्रेकिंग फेज है, ये कास्टिंग फेज है, और ये है फाइन ब्रेकिंग फेज। तो जैसे ही एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर आता है, यहां से इसका जो रफ ब्रेकिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर स्लिम स्पेसक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए अपने स्पीड को धीरे धीरे स्लो करता है, और यहां पर ये कास्टिंग फेज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करते हुए अपने आप को अलाइन करता है, और जैसे ये फाइन ब्रेकिंग फेज में आता है ना, यहां पर ये प्योरली वर्टिकल हो जाता है और वर्टिकल डिसेंट करने लगता है एल्टीट्यूड 7 किलोमीटर पे आके। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये एकदम सीधा नीचे की ओर आ रहा है, और ये सरफेस में जस्ट लैंड करने से पहले इसके थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं, हार्ड लैंडिंग करेगा मून के सरफेस पे अपने लेग्स पे, और ये जो लेग्स है इनका नाम शॉक एब्जॉर्बर रखा गया है, लैंडिंग लेग्स। वेल दोस्तों, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैक्सा ने स्लिम स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को कितना कॉम्पैक्ट बनाया, और आपको जापानी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना स्लिम के लैंडिंग लेग्स में भी देखने को मिल जाता है, जिन्हें जैक्सा ने लैंडिंग लेग्स ना कहते हुए शॉक एब्जॉर्बर नाम दिया है, क्योंकि किसी शॉक एब्जॉर्बर की तरह चंद्रमा पर स्लिम प्रोब की लैंडिंग के दौरान ये शॉक एब्जॉर्बर लेग्स भी उस लैंडिंग इंपैक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए स्पेसक्राफ्ट के सभी इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इन शॉक एब्जॉर्बर का डिजाइन भी काफी यूनिक है, जिन्हें 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से एल्यूमिनियम पर एक स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर पैटर्न डिजाइन प्रिंट करके बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जैक्सा स्लिम मिशन। तो दोस्तों, जैक्सा ने यहां पर मिशन के लिए टोटल 2 मेन ऑब्जेक्टिव चूज किए हैं। नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाई प्रिसाइज लैंडिंग टेक ऑन द मून, जिसमें इनका टारगेट है कि ये अपने विजन बेस्ड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम की मदद से एक प्रिसाइसली एक्यूरेट 100 मीटर रेडियस में ही स्लिम को लैंड कराए। नंबर 2, ताकि इस मिशन के लैंडिंग डेटा से हम फ्यूचर में कई और लूनार एंड प्लैनेटरी प्रोब मिशन को और ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक पिन पॉइंट लोकेशन पर भेज सके। इसके अलावा जैक्सा ने स्लिम प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए सक्सेस क्राइटेरिया भी सेट किया है, जैक्सा सक्सेस क्राइटेरिया फॉर द स्लिम मिशन। दोस्तों, जैक्सा के अकॉर्डिंग अगर स्लिम स्पेसक्राफ्ट मून पर कहीं भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन में मिशन को पार्शियली सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन अगर स्लिम स्पेसक्राफ्ट डिसाइडेड शियोली क्रेटर में पिन पॉइंट 100 मीटर रेडिएशन लोकेशन में लैंड करता है, और लैंडिंग के बाद इसमें लगे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वहां सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तब इस मिशन को फुल्ली सक्सेसफुल माना जाएगा। इसके अलावा अगर ये अपने डिसाइडेड टाइम पीरियड से ज्यादा समय तक एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर पाता है, तो इसे जैक्सा स्लिम मिशन की एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स की तरह काउंट करेगी, साइंटिफिक पेलोड्स ऑफ द स्लिम मिशन। तो दोस्तों, मून की सरफेस पर पहुंचकर वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए इसमें मल्टी बैंड कैमरा यानी कि MBC एंड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी कि LRA जैसे साइंटिफिक पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें MBC इसके मून सरफेस पर पहुंचकर शियोली क्रेटर स्लोप में मौजूद मून सॉइल कंपोजिशन पर जांच करेगा। जबकि अगर आपने हमारा ये चंद्रयान 3 वाला वीडियो देखा है ना, तो आपको पता होगा कि LRA
क्या होता है, क्योंकि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर पर भी नासा द्वारा दिया गया लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी कि LRA पेलोड लगाया गया है और जैक्सा को भी नासा ने ही ये पेलोड दिया है, जिसका काम अर्थ पर मौजूद लेजर की मदद से मून एंड अर्थ के बीच के डिस्टेंस को टाइम टू टाइम प्रिसाइसली मेजर करना है। चैलेंजेस फॉर जापान स्लिम मिशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक चांद की सरफेस पर केवल अमेरिका, रशिया, चाइना और अब भारत ही सक्सेसफुली लैंडिंग कर सके हैं, और भारत तो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला फर्स्ट कंट्री बनकर इस रेस में एक कदम आगे निकल चुका है, जबकि भारत से टेक्नोलॉजी एंड साइंस के फील्ड में कई गुना आगे होने के बावजूद जापान मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने में आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। इससे पहले जापान ने मून पर लैंड करने के लिए 2 अटेम्प्ट्स किए थे, जिनमें से एक ओमोटेनासी मिशन था जिसे जैक्सा ने साल 2022 में लॉन्च किया था, जो कम्युनिकेशन लॉस्ट होने के बाद मून सरफेस पर हार्ड लैंडिंग करते हुए डिस्ट्रॉय हो गया। इसके अलावा भी रिसेंटली एक जापानीज स्टार्टअप आई स्पेस ने मून पर लैंडिंग के लिए अपना एक प्रोब भेजा, लेकिन वो भी फेल हो गया। ओवरऑल अभी तक जापान के सभी मून लैंडिंग अटेम्प्ट फेल रहे हैं। बड़ी इस बार इंडिया की हिस्टोरिकल लैंडिंग से इंस्पायर होते हुए जैक्सा भी अपने स्लिम मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और इस मिशन पर की गई मेहनत को देखकर लगता है कि इस बार जापान की मून लैंडिंग के सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। अब अगर जापान अपने स्लिम मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि इसके बाद हम हमारे पूरे सोलर सिस्टम में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर अपने स्पेसक्राफ्ट को काफी एक्यूरेट एंड प्रिसाइसली लैंड करा सकेंगे, जिसमें हम फ्यूचर में सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और इवन स्मॉल एस्ट्रॉइड्स पर भी बिना ह्यूमन मिशंस के केवल स्मॉल स्पेस प्रोब्स की मदद से एक्यूरेट लोकेशन पर उतरकर मिनरल्स की माइनिंग कर सकेंगे। नाउ ऑफ कोर्स फ्यूचर में हमें इस तरह के और भी मिशंस परफॉर्म करने के लिए और भी डेटा की जरूरत होगी, लेकिन जापान का ये मिशन हमारा उस ब्राइट फ्यूचर की ओर एक पहला कदम होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या जापान भारत की तरह हिस्ट्री क्रिएट करते हुए मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाएगा? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए और एक्साइटिंग वीडियोस बनाने में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।